सीवर की सफाई में सवर्ण जाति का सिर्फ बीजेपी से लड़ाई की जो काफी नहीं है, हमें इस विचारधारा होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। वो मजदूर का बेटा होगा, वो किसान का बेटा होगा, वो दलित होगा, वो अगड़ा। और पिछले 10 साल से विशेष रूप से बीजेपी ने कोई भी एक पद पर कोई सरकारी भर्ती नहीं की। आज भी व्यक्ति के रंग को देखकर, व्यक्ति की जाति को, जो संविधान बदल सकते हैं वो तानाशाही भी ला सकते हैं, जो मूर्ति हटा सकते हैं वो संविधान भी बदल सकते हैं, जो मूर्ति हटा सकते हैं वो संविधान भी बदल सकते हैं। स्मृति के संविधान को लागू करने के लिए जो संविधान बदल सकते हैं वो तानाशाही भी ला सकते हैं, स्मृति के संविधान को लागू करने के लिए। देश के संविधान को बदलने के लिए देश के मजदूरों, दलितों, पिछड़ों, मेहनतकशों के जो अधिकार हैं उनको समाप्त करने के लिए ये एक उन्होंने टेस्ट किया है कि देश की जनता इसका कितने किस स्तर तक विरोध करती है। कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र के अंदर जो सरकार चल रही है, बाबा साहब की मूर्ति को उन्होंने संसद परिसर से हटा दिया। गुस्सा आना चाहिए था, देश की जनता में गुस्सा आना चाहिए था, ना सिर्फ देश के दलितों में गुस्सा आना चाहिए, देश के मजदूरों, किसानों में और देश की आम जनता में भी गुस्सा आना चाहिए था। गुस्सा इसलिए नहीं आना चाहिए था कि एक मूर्ति को हटाया गया है, गुस्सा इसलिए आना चाहिए था कि अपनी विचारधारा को लागू करने के लिए मनुष्य वो सभी के अधिकारों को समाप्त कर सकते हैं। ये जो सरकार है इसको ना देश की जनता से, ना देश के संविधान से और ना जनता के अधिकारों से कोई सरोकार है। इसको है कि किसी तरह से वो राजशाही व्यवस्था, जो व्यवस्था सदियों से मेहनतकशों का, मजदूरों का, किसानों का, दलितों का, पिछड़ों का शोषण करती आ रही है, उस व्यवस्था को उन्हें देश के अंदर लागू करना, और वो आएगा मनुस्मृति से, और ये मनुस्मृति के संविधान को मानते हैं, देश के संविधान को मानने वाले ये लोग नहीं है। मैं तो दिल्ली शहर के गांव से आता हूं, मैं बात नहीं कर रहा उड़ीसा की, बंगाल की, छत्तीसगढ़ की, मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, हरियाणा के उन दूर दराज के गांवों की, मैं दिल्ली के गांवों में मेरा अनुभव है कि हमारे गांव के अंदर किस तरह से जाति के नाम पर भेदभाव किया जाता था। जब हम छोटे छोटे थे तो हम ये देखते थे, हम ये देखते थे कि गांव से कोई दलित जाति का व्यक्ति थे, ये हमने अपनी आंखों से देखा है, दिल्ली शहर के अंदर देखा है। और आज भी ये परिस्थितियां बदली नहीं है, नहीं बदली है ये परिस्थितियां। आज भी व्यक्ति के रंग को देखकर, व्यक्ति की जाति को देखकर, आज भी व्यक्ति के साथ ये लोग भेदभाव करते हैं। ये सिर्फ मूर्ति का विषय नहीं है, हम ट्रेड यूनियन में काम करने वाले लोग हैं, हम ये देखते हैं कि किस तरह से अभी जो साथी निर्मल बता रहे थे सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर, जिस तरह से ये क्रीमी लेयर जैसे शब्दों को लेकर आरक्षण की व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, दूसरी तरफ सरकारी क्षेत्र के अंदर जो सरकारी पद थे उन पदों पे पिछले सालों साल से कोई भी भर्ती, और पिछले 10 साल से विशेष रूप से बीजेपी ने कोई भी एक पद पर कोई सरकारी भर्ती नहीं की है। जब सरकार में भर्ती ही नहीं होगी तो आरक्षण कहां रहेगा, आरक्षण कहां रहेगा? पहले लोगों को रोजगार मिलता था क्योंकि सरकारी क्षेत्र में भर्तियां होती थी। आज ठेकेदार की नौकरी है, आज प्राइवेटीकरण का जमाना है, आज सारे सरकारी क्षेत्रों को निजी हाथों में दिया जा रहा है, और इस निजीकरण का भी एक दूसरा रूप आरक्षण की व्यवस्था और मजदूरों के शोषणकारी व्यवस्था को लागू करना है, आरक्षण को समाप्त करना है।
हमें ये जो जंतर मंतर पर आज हम बैठे हैं, सिर्फ यही सब कुछ नहीं है, इससे आगे हमें आज जो संकल्प लेना चाहिए कि हम इस विषय को आगे लेके जाएंगे, जनता के बीच में लेकर जाएंगे, हम मजदूरों के बीच में लेकर जाएंगे, हम किसानों के बीच में लेकर जाएंगे, हम गांव गांव में लेकर जाएंगे, हम शहर शहर में लेकर जाएंगे, और हम ये बताएंगे कि ये सरकार जो प्रयोग कर रही है बाबा साहब की मूर्ति को हटाकर, सही मायने में जो इन्होंने चुनाव से पहले इनके अलग अलग जो सांसदों ने जो बातें बोली हैं कि अगर हमारी 400 सीटें आ गई तो हम संविधान को बदल देंगे, और संविधान को बदलने मतलब कि जो संविधान ने जो अधिकार देश के नागरिकों को दिया है उन सारे अधिकारों को समाप्त कर देंगे, उन सारे अधिकारों को जो है जनता के सारे अधिकारों को हड़प कर जाएंगे ये। तो इसलिए दोस्तों आज जरूरत है हम लगातार अपने विभाग में, सरकारी क्षेत्र में, एमसीडी में, दिल्ली जल बोर्ड में हम लगातार ये मांग करते रहे हैं, और जो मैं यहाँ देख भी रहा हूँ कि जितने भी आरक्षित श्रेणी के पद हैं वो भरे जाएं। मैं दिल्ली जल बोर्ड से रिटायर हुआ हूँ, दिल्ली जल बोर्ड में 25,741 सेंक्शन पोस्टें हैं, 25,000 से ज़्यादा। दिल्ली जल बोर्ड में कभी 35,000 कर्मचारी हुआ करते थे, आज दिल्ली जल बोर्ड में परमानेंट कर्मचारी सिर्फ 12,000 रह चुके हैं, 12,000। अगर 13,000 पदों पे भर्ती हो, 13,000 पदों पे भर्ती हो तो सिर्फ आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि जो आरक्षण से बाहर भी जो जातियां हैं उनके लोगों को भी तो रोजगार मिलेगा। आरक्षण हमारा 27% हो सकता है, अगर 100 पोस्टें भरेंगी तभी तो 27 मिलेंगी, बाकी तो बाहर के लोगों को मिलेंगी, बाहर की जातियों को मिलेंगी, लेकिन जब भर्ती ही नहीं होगी तो ये जो 27% की बात नहीं है, एक भी मजदूर एक भी किसान के बच्चे को रोजगार नहीं मिलेगा। हम ये देख रहे हैं चारों तरफ, और जब सामाजिक रूप से भी अगर हम देखें तो जो अधिकार जो ये कामरेड जो हमारे निर्मल जी ने बताया, गांव में जो सामाजिक स्तर होता है, आर्थिक रूप से अगर आप सक्षम हैं तो आप अधिकारों को मिलेगा, सम्मान मिलेगा, आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। और ये सरकारी क्षेत्र में भी हम देख रहे हैं, एमसीडी के अंदर कभी 1.5 लाख कर्मचारी हुआ करता था, आज एमसीडी के अंदर 55,000 कर्मचारी रह चुका है। ऐसा तो नहीं है ना देश दिल्ली शहर के अंदर पानी की लाइनें खत्म हो गई हो, पानी की लाइनें भी बढ़ रही हैं, ट्रीटमेंट प्लांट भी बढ़ रहे हैं, हमारे बूस्टर पंपिंग स्टेशन भी बढ़ रहे हैं, दिल्ली की कॉलोनियां भी बढ़ रही हैं और दिल्ली की जनसंख्या भी बढ़ रही है। घट रहा है तो सिर्फ दिल्ली शहर के अंदर दिल्ली जल बोर्ड का सरकारी कर्मचारी घट रहा है, काम तो कोई ना कोई तो काम कर रहा है लेकिन उसका स्वरूप बदल गया, वो ठेके का मजदूर है। और सफाई के क्षेत्र में, एमसीडी के क्षेत्र में जहां 1.5 लाख से ज्यादा कर्मचारी हुआ करते थे, दिल्ली शहर की सफाई तो आज भी हो रही है, सीवर की सफाई आज भी होती है, सड़कों की सफाई आज भी होती है, लेकिन हम ये देखते हैं कि ये जो निजीकरण और ठेकेदारी प्रथा है, दिल्ली शहर के अंदर 18,000 न्यूनतम वेतन है, किसी भी ठेके के कर्मचारी को आज तक वो 18,000 का भुगतान नहीं होता है, 10,000-12,000 रुपए में ठेके के कर्मचारियों को दिल्ली शहर के अंदर काम करना पड़ता है। सफाई के काम में कौन काम करता होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं, वो मजदूर का बेटा होगा, वो किसान का बेटा होगा, वो दलित होगा, वो अगड़ी जाति का नहीं होगा। सीवर की सफाई में सवर्ण जाति का आदमी सीवर की सफाई नहीं करेगा। तो ये जो शोषणकारी व्यवस्था है, इस व्यवस्था को अगर हमें बदलना है तो हमें इस विचारधारा से लड़ना होगा, सिर्फ बीजेपी से लड़ाई की जो काफी नहीं है, हमें इस विचारधारा से लड़ना होगा जो संविधान पे हमला कर रहे हैं, और विचारधारा से हमें सामाजिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का भी अगर हमें संकल्प लेना पड़ेगा, तभी हम जाके अपनी आरक्षण व्यवस्था को, आरक्षित पदों पे भर्ती को और अन्य हमारे जो भी अधिकार हैं उनको हम बचा पाएंगे। साथियों, मैं CITU की तरफ से DSMM के इस कार्यक्रम को पूरा समर्थन देता हूं और यह विश्वास दिलाता हूं कि हम अपने क्षेत्र के अंदर जहां पर भी हम ट्रेड यूनियन चलाते हैं, हमारी MCD के अंदर, हमारी दिल्ली जल बोर्ड के अंदर और हमारी NDMCA के अंदर हमारे यूनियनों के संपर्क हैं, यूनियन हम चला रहे हैं, हम लगातार वहां पर मांग करेंगे
हम लगातार वहां पर मांग करेंगे कि जितने भी आरक्षित पद हैं वो पद समाप्त ना किए जाएं, बल्कि उन पदों के ऊपर भर्ती की जाए। ये हम एक अभियान के तौर पर लेंगे, ये हम डीएसएमएम के साथियों को विश्वास दिलाते हैं और ये वादा करता हूं कि आपके इस संदेश को हम जगह जगह लेकर जाएंगे और इस सरकार को बेनकाब करेंगे। धन्यवाद साथियों, इनकलाब जिंदाबाद।